आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट टूल्स। असेसमेंट टूल्स जो हैं उनकी क्या रिलायबिलिटी। असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट जो है ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, सीखने और सिखाने के अमल का। असेसमेंट जो है वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है विच अलाउज टीचर्स टू एवेलुएट देयर स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, जो कि उस्तादसा को इजाज़त देता है टू एवेलुएट के वो तजिया करें देयर स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, अपने तलबा की कारकर्दगी का ड्यूरिंग एन एजुकेशनल कोर्स, एक तालीमी कोर्स का। मैनी टीचर्स बिल्ड एफिशंसी इन प्रिपेयरिंग। बहुत सारे उस्ताद ऐसे होते हैं जिनको कमी महसूस होती है एग्ज़ाम्स के तैयार करने के लिए एंड ग्रेडिंग एग्ज़ाम्स, इम्तहानात के वो तैयार करने के लिए और ग्रेडिंग के लिए। एंड मोस्ट स्टूडेंट्स आर फेयरफुल ऑफ टेकिंग टेम, और ज़्यादातर तलबा ऐसे होते हैं जो कि इम्तहानात देने को के लिए खौफजदा होते हैं। यह टेस्ट इज ए सिग्निफिकेंट एजुकेशनल टूल। इसके बावजूद टेस्ट जो है एक बहुत ही अहम तलीमी तरीक़ाकार है, देयर फोर दिस टूल मस्ट बी रिलायबल। इसलिए ये जो टूल है, ये जो आला है, ये रिलायबल होना चाहिए एंड वायलेट इन साचे वे, रिलायबल और वायलेट होना चाहिए इन साचे वे, इस तरह डेट एवरीवन हैज क्रेडिबिलिटी ऑन इट्स रिजल्ट, कि हर एक अपने रिजल्ट्स की क्रेडिबिलिटी ले सके। एवरी क्लासरूम असेसमेंट मेजर मस्ट बी अप्रोप्रियटली रिलायबल एंड वैलिड। हर क्लासरूम असेसमेंट मेजर्स जो हैं वो मुनासिब तरीके से रिलायबल और वैलिड होनी चाहिए, वेदर इट इज़ रूटीन क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट, अगर चाहिए एक रूटीन क्लासरूम असेसमेंट टेस्ट ही क्यों ना हो। एटीट्यूडनल मेजर और परफॉर्मेंस असेसमेंट, वो एटीट्यूडनल टेस्ट भी हो सकता है और परफॉर्मेंस असेसमेंट भी हो सकती है। ए मेजर मस्ट बी फर्स्ट रिलायबल, जो हमारा टेस्ट है वो सबसे पहले रिलायबल होना चाहिए बिफोर इट कैन बी वायलेट, वायलेट होने से पहले। टीचर्स हैव बीन डिजाइनिंग अचीवमेंट टेस्ट, टीचर्स जो हैं वो अचीवमेंट टेस्ट तैयार करते हैं सिंस डिकेड्स, बहुत सारी इकाइयों से, कई सालों से, कई अशरों से जो है वो टीचर्स जो हैं अचीवमेंट टेस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। बट बिफोर प्रिपेरिंग ए टेस्ट ए टीचर, लेकिन उस्ताद को एक टेस्ट, एक टीचर को टेस्ट तैयार करने से पहले आर एक्सटर्नल एग्ज़ाम डिज़ाइनर या फिर एक्सटर्नल बैरूनी इम्तिहान बनाने वाला हो, मस्ट बी अवेयर ऑफ क्वालिटीज ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। उसे जो क्वालिटीज़ हैं, खूबियाँ जो हैं अचीवमेंट टेस्ट की, उनका पता होना चाहिए। ए मेजर डैट इग्नोर्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग ए टेस्ट, एक ऐसी पैमाइश जो कि बेसिक प्रिंसिपल जो हैं उनको डेवलप किए हुए बगैर तैयार किया जाता है, मे प्रोड्यूस सच रिजल्ट्स दैट मे बी अनएक्सेप्टेबल फॉर स्टूडेंट्स। उससे ऐसे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए नाकाबिले कबूल हों एंड विल नॉट बी मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिससे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो ना मेजर की जा सके। देयरफॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट इज मीन्ड फॉर द प्रोस्पेक्टिव टीचर्स एड्रेसिंग द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी। इसलिए हम इसमें आपको मीनिंग ऑफ टेस्ट जो है उसके बारे में बताएंगे। इट्स रिलायबिलिटी, इट्स टाइप्स, फैक्टर अफेक्टिंग रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड द यूजबिलिटी ऑफ टेस्ट। टेस्ट की जो है रिलायबिलिटी और उसकी यूजबिलिटी। रिलायबिलिटी, व्हाई डज द टर्म रिलायबिलिटी, व्हाट डज द टर्म रिलायबिलिटी मीन्स, रिलायबिलिटी का क्या, ये जो टर्म है रिलायबिलिटी, इसका क्या मानी है। रिलायबिलिटी मीन्स ट्रूथ वर्थी, कि इस पे काबिले एतमाद। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि कितना काबिले एतमाद टेस्ट है, कितना काबिले भरोसा है। ए टेस्ट स्कोर इज कॉल्ड रिलायबल, एक टेस्ट का जो स्कोर होता है वो
वो क्या होता है उसको हम रिलायबल कहते हैं. व्हेन वी हैव रीजंस फॉर बिलीविंग द टेस्ट स्कोर टू बी स्टेबल एंड ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जांपल इफ द सेम टेस्ट इज गिवन टू क्लासेस, अगर एक ही तरह का टेस्ट दो क्लासों को दिया जाता है एंड इज मार्क्ड बाय डिफरेंट टीचर्स, उसको मुख्तलिफ उस्ताद चेक करते हैं, इवन देन इट प्रोड्यूस द सिमिलर रिजल्ट्स, तो फिर भी उसके एक ही तरह के नतीजे आते हैं, इट मे बी कंसिडर्ड एज रिलायबल. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रिलायबल कह सकते हैं, काबिल भरोसा कह सकते हैं. दो मुख्तलिफ क्लासेस से टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट सेम होता है और दोनों के रिजल्ट जो हैं वो एक जैसे आते हैं और मुख्तलिफ टीचर चेक करते हैं, तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, रिलायबल कहते हैं. स्टेबिलिटी एंड ट्रूथवर्थनेस डिपेंड्स अपॉन द डिग्री टू विच स्कोर इज फ्री ऑफ चांस एरर. स्टेबिलिटी जो है और रिलायबिलिटी जो है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, डिग्री टू विच स्कोर इज फ्री ऑफ चांस एरर. वो डिग्री वो सतह जिसमें जो है गलती के चांसेस जो है वो कम हो, स्कोर के अंदर जो नंबर हासिल करते हैं स्टूडेंट उसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो. वी मस्ट फर्स्ट बिल्ड ए कंसेप्चुअल ब्रिज बिटवीन द क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंडिविजुअल. हमें सबसे पहले एक कंसेप्चुअल ब्रिज बनाने चाहिए बिटवीन द क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउ रिलायबिलिटी इज मेजर्ड साइंटिफिकली. किन दोनों के दरमियान कंसेप्चुअल ब्रिज होने चाहिए, क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंडिविजुअल, एक क्वेश्चन जो इंडिविजुअल पूछता है, एंड हाउ रिलायबिलिटी और रिलायबिलिटी जो है वो साइंटिफिकली कैसे मेजर की जाती है. दिस ब्रिज इज नॉट एज सिंपल एज इट मे फर्स्ट अपीयर. ये जो ब्रिज है ये इतनी सादा नहीं है जितनी के फर्स्ट पहले दिखाई देती है. व्हेन ए पर्सन थिंक्स ऑफ रिलायबिलिटी, जब एक शख्स जो है वो रिलायबिलिटी के बारे में सोचता है, मैनी थिंग्स मे कम इन टू हिज माइंड, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके दिमाग में आती हैं. माई फ्रेंड इज़ वेरी रिलायबल, मेरा दोस्त जो है वो काबिल एतमाद है. माई कार इज़ वेरी रिलायबल, हमारी कार जो है वो काबिल भरोसा है. माई इंटरनेट बिल पेइंग प्रोसेस इज़ वेरी रिलायबल, माई क्लाइंट्स परफॉर्मेंस इज़ वेरी रिलायबल एंड सो ऑन. द करेक्टरिस्टिक्स बींग एड्रेस्ड आर द कंसेप्ट सच एज, इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स जो खसूसियात बयान की गई हैं वो कौन सी हैं, कंसिस्टेंसी, डिपेंडेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, वेरिएबिलिटी. नोट डैट इम्प्लिसिट रिलायबिलिटी स्टेटमेंट इज द बिहेवियर मशीन परफॉर्मेंस, डेटा प्रोसेस एंड वर्क परफॉर्मेंस में सम टाइम नॉट रिलायबल. द क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि हाउ मच द स्कोर्स ऑफ टेस्ट वेरी ओवर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस. ये जो नंबर्स हैं स्कोर्स हैं टेस्ट के वो मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन से, मुख्तलिफ मुशाहदात से या मुख्तलिफ चेक करने वालों से मुख्तलिफ क्यों हो जाते हैं. डेफिनेशंस ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी की क्या तरीफें हैं. अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक रिलायबिलिटी की डेफिनेशन है, रिलायबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच एन एक्सपेरिमेंट टेस्ट और मायरिंग प्रोसीजर यील्ड्स द सेम रिजल्ट ऑन रिपीटेड ट्रायल्स. रिलायबिलिटी वो एक्सटेंट है जिसमें एक एक्सपेरिमेंट या एक टेस्ट या एक पमेश करने का तरीका कार जो है वो मुख्तलिफ ट्रायल्स के दौरान, रिपीटेड ट्रायल्स के दौरान जब बार बार उसके ट्रायल्स किए जाते हैं उनका रिजल्ट जो है वो सेम आता है. अकॉर्डिंग टू हॉपकिंस एंड एंटीस 2000, रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन यील्डेड ओवर रिपीटेड रिकॉर्डिंग इधर फॉर ए सब्जेक्ट और ए सेट ऑफ सब्जेक्ट्स. ये कंसिस्टेंसी है रिलायबिलिटी जो है ऑफ ऑब्जर्वेशंस मुशाहदात की यील्डेड ओवर रिपीटेड रिकॉर्डिंग, जिसमें बार बार जो है वो रिकॉर्डिंग की जाती है एक सब्जेक्ट की या फिर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की. जॉब 2000 डिफाइन रिलायबिलिटी, जॉब की किस तरह रिलायबिलिटी को डिफाइन किया है, द एक्सटेंट टू विच रिजल्ट आर कंसिस्टेंस ओवर टाइम. ये वो एक्सटेंट है, वो सतह है, वो लिमिट है टू विच जहाँ तक रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंस, रिजल्ट्स जो है वो एक ही तरह के आते हैं ओवर टाइम, टाइम के साथ, एंड एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन. और ये एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी करती है
एक सही डोमेन की करती है ऑफ टोटल पॉपुलेशन तमाम आबादी की अंडर स्टडी इज रेफर टू एज रिलायबिलिटी एंड इफ द रिजल्ट्स ऑफ अ स्टडी कैन reproduced under a similar methodology then the research instrument is considered to be reliable the more general definition of reliability is the degree to which a score is stable and consistent wo degree jahan tak ek score jo hai wo stable hota hai aur consistent hota hai when measured at different time jab usko mukhtalif auqat pe uski tamaish ki jati hai टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी जिसको हम क्या कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इन डिफरेंट वेज मुख्तलिफ तरीकों से पैरेलल फॉर्म्स एंड अल्टरनेट फॉर्म्स आर विद डिफरेंट एटम्स विद इन द सेम स्केल इंटरनल कंसिस्टेंसी जिसको हम क्या कहते हैं अंदरूनी कंसिस्टेंसी टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी के क्या कौन से टाइप्स हैं रिलायबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टेस्ट क्वालिटी रिलायबिलिटी जो है ये एक बहुत ही अहम एलिमेंट है टेस्ट की क्वालिटी का इट हैज़ टू डू विद द कंसिस्टेंसी इसको कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए और रिप्रोड्यूसबिलिटी ऑफ एन एग्जामिनीज परफॉर्मेंस इन द टेस्ट इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट रिलायबिलिटी एग्जैक्टली ये मुमकिन नहीं है कि आप एग्जैक्ट रिलायबिलिटी को कैलकुलेट कर सके इंस्टेड वी हैव टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी इसके बावजूद हमें एस्टिमेट करना चाहिए कि रिलायबिलिटी कितना अंदाज़ा लगाना होता है एंड दिस इज ऑलवेज एन इम्परफेक्ट अटैम्प्ट ये भी एक परफेक्ट अटैम्प्ट नहीं कोशिश नहीं होती कैस करने की होती है हेयर वी इंट्रोड्यूस द मेजर रिलायबिलिटी एस्टिमेटर्स एंड टॉक अबाउट देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यहाँ पे हम चंद एक बुनियादी रिलायबिलिटी के एस्टिमेटर्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी बताएंगे देयर आर सिक्स जनरल क्लासेस ऑफ रिलायबिलिटी एस्टिमेट्स सिक्स क्लासेस हैं रिलायबिलिटी की ईच ऑफ विच एस्टिमेट्स रिलायबिलिटी इन डिफरेंट वेज जिसमें हर एक एस्टिमेट्स जो है वो मुख्तलिफ तरीके से रिलायबिलिटी मेजर करता है दे आर इंटर रेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी जिनको इंटर रेटर या फिर इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी कहते हैं टू असेस द डिग्री टू विच डिफरेंट रेटर्स ऑब्जर्वर्स गिव कंसिस्टेंट एस्टिमेट्स ऑफ सेम फिनोमिनन दैट इज इफ टू टीचर्स मार्क सेम टेस्ट एंड रिजल्ट्स आर सिमिलर इसमें क्या है कि दो टीचर्स जो हैं वो एक ही टेस्ट को मार्क करते हैं और रिजल्ट एक जैसे होते हैं सो इट इंडिकेट्स जो इस चीज़ की निशानदेही करता है दी इंटर रेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी जिसको हम क्या कहते हैं इंटर रेटर या फिर इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी दूसरी जो है वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ ए मेजर फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम ये टाइम के लिहाज से होती है एक टाइम में कितनी कंसिस्टेंसी है टेस्ट के अंदर और दूसरे टाइम में कितनी है When a same test is administered twice and results of both administrations are similar, this continues the test retest reliability. एक ही टेस्ट जो है वो दो दफ़ा लिया जाता है दो बार लिया जाता है दोनों बार जो है वो रिजल्ट एक जैसे होते हैं तो ये administrations टेस्ट लेने वालों की रिलायबिलिटी को शो करता है इस रिलायबिलिटी को क्या कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट स्टूडेंट्स मे रिमेंबर एंड मे बी मिच्योर आफ्टर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट्स ए प्रॉब्लम फॉर टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी स्टूडेंट्स जो है वो तैयार याद कर लेते हैं एंड मे मिच्योर अनमिच्योर हो जाते हैं आफ्टर द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट्स जो पहली इंतजामिया है वो प्रॉब्लम पैदा करती है फॉर टेस्ट रिलायबिलिटी के लिए पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ टू टेस्ट कंस्ट्रक्टेड इन द सेम वे फ्रॉम द सेम कंटेंट डोमेन हमने एक दो टेस्ट जो हैं वो तैयार किए हैं एक ही तरीके से और एक ही कंटेंट उनके कंटेंट डोमेन जो है वो सेम है उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है हेयर द टेस्ट डिजाइनर ट्राइज टू डेवलप टू टेस्ट ऑफ सिमिलर काइंड इसमें टेस्ट डिजाइनर जो है वो
दो टेस्ट तैयार करता है एक ही किस्म के, एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन द रिजल्ट्स आर सिमिलर, और टेस्ट होने के बाद उनके जो रिजल्ट्स हैं वो एक ही जैसे होते हैं, देन इट विल इंडिकेट पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहेंगे, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स अक्रॉस एटम्स विद इन ए टेस्ट, इट इज correlations of individual atom score within entire test. Entire test के अंदर individuals हर एक student के जो number हैं वो उसकी internal consistency को show करेंगे. Split half reliability. To assess the consistency of results comparing two halves of single test, these halves may be even odd atoms on the single test. Quadrant Richardson reliability. To assess the consistency of results using all the possible split half of a test, let us discuss each of these in turn. Inter-rater or inter-observer reliability. Whenever we observe our activities of human, जब भी हम इंसानों की सरगर्मियों का मुशाहदा करते हैं, we have to think about the procedure for reliable and consistent results. तो हमें एक तरीका कार के बारे में सोचना चाहिए जो कि reliable हो और consistent results दे. For this, इसके लिए two or more than two observers are assigned to observe the students or teachers. इसके लिए दो या दो से ज़्यादा observers लगा दिए जाते हैं उस्तादा या फिर तलबा को ऑब्जर्व करने के लिए. सो हाउ डू वी डिटरमाइन वेदर टू ऑब्जर्वर्स आर बीइंग कंसिस्टेंट इन देयर ऑब्जर्वेशंस. तो हम ये कैसे मालूम कर सकेंगे कि दो ऑब्जर्वर में से कौन सा जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंस है अपनी ऑब्जर्वेशन में. वी प्रोबेबली शुड एस्टेब्लिश इंटर रेटर रिलायबिलिटी बाय कंसिडरिंग द सिमिलरिटी ऑफ द स्कोर्स अवॉइडेड बाय टू ऑब्जर्वर्स. हमें शायद इंटर रेटर रिलायबिलिटी कंसिडर करनी चाहिए कंसिडरिंग द सिमिलरिटी ऑफ द स्कोर्स की सिमिलरिटी को कंसिडर करते हुए अवॉइडेड बाय टू ऑब्जर्वर्स जो कि दोनों मुशाहदा करने वालों ने दी. आफ्टर ऑल इफ वी यूज डेटा टू एस्टेब्लिश रिलायबिलिटी, अगर हम डेटा को इस्तेमाल करते हैं रिलायबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, एंड वी फाइंड दैट रिलायबिलिटी इज लो, तो हम देखते हैं कि मालूम करते हैं कि जो रिलायबिलिटी है वो कम है. वी शुड हैव टू फोकस अपॉन द क्राइटेरिया एस्टेब्लिश्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन. तो हमें फोकस करना चाहिए अपॉन द क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया पे जो कि बनाया गया है फॉर द ऑब्जर्वेशन के लिए. एंड इफ इट इज ट्राइड फर्स्ट, और अगर इसका पहले ही इस्तेमाल हो चुका है इन द एक्चुअल सिचुएशन हकीकी सिचुएशन में, देन इट मे हेल्प टू डिवेलप द रीजनेबल क्राइटेरिया फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड मे बी मोर ऑब्जेक्टिव. देर आर टू मेजर वेज टू एक्चुअली एस्टिमेट इंटर रेटर रिलायबिलिटी. इंटर रेटर रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए, मालूम करने के लिए दो मुख्तलिफ तरीके हैं. इफ यूर मेजरमेंट कंसिस्टेंस ऑफ कैटेगरीज द रेटर आर चेकिंग ऑफ विच कैटेगरी ईच ऑब्जर्वेशन फॉल्स इन. अगर आपके मेजरमेंट की कैटेगरीज हैं तो रेटर जो है रेट करने वाला, चेक करने वाला, चेकिंग ऑफ विच कैटेगरी ईच ऑब्जर्वेशन फॉल इन, कि कौन सी कैटेगरी कौन सी ऑब्जर्वेशन में आती है. इफ़ यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द रेटर, अगर आप मालूम करते हैं परसेंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रेटर्स के दरमियान एग्रीमेंट का. फॉर इंस्टेंस लेट अस से यू हैड 100 ऑब्जर्वेशंस, आपके पास 100 मुशाहदात हैं डेट वर बीइंग रेटेड बाय टू रेटर्स, जिनको दो रेटर्स ने रेट किया है. फॉर ईच ऑब्जर्वेशन द रेटर कुड चेक वन ऑफ थ्री कैटेगरीज. फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए रेटर जो है वो एक ऑब्जर्वेशन चेक करता है, एक कैटेगरी चेक करता है तीन में से. इमेजिन डैट, तसव्वुर करें ऑन 86 ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन, 86 में 100 में ऑब्जर्वेशन में से 86 का तसव्वुर करें द रेटर चेक द सेम कैटेगरी, रेटर ने एक ही कैटेगरी चेक की. इन दिस केस, इस सूरत में द परसेंटेज ऑफ एग्रीमेंट वुड बी, जो परसेंटेज होगी
एग्रीमेंट की वो 80% होगी। इट्स क्रूड मैयर, ये क्रूड मैयर है, खाम पमाइश है, बट इट डज नॉट गिव एन आइडिया ऑफ हाउ मच एग्रीमेंट एग्जिस्ट, जो कि इस चीज़ का ख्याल नहीं देती, आइडिया नहीं देती हमें कि एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं। एंड इट वर्क्स नो मैटर हाउ मैनी, और इसका भी हमें नहीं पता कि कितनी कैटेगरीज को पे काम हुआ है, आर यूज फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। द अदर मेजर वे टू एस्टिमेट इंटर रेटर रिलायबिलिटी, दूसरा जो मेजर बुनियादी तरीकाकार है इंटर रेटर रिलायबिलिटी को मालूम करने का, इज अप्रोप्रिएट, वो मुनासिब है, व्हेन द मैयर इज कॉन्टिन्यूस वन, जब मैयर जो है वो कॉन्टिन्यूस होती है, चलती रहती है। देयरफॉर ऑल यू नीड टू डू इज कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन द रेटिंग्स ऑफ टू ऑब्जर्वर्स, तो हम कोरिलेशन करते हैं दोनों के दरमियान, दो ऑब्जर्वर जो रेट कर रहे होते हैं उनके दरमियान क्या ताल्लुक है उसको मालूम करते हैं। फॉर इंस्टेंस दे माइट बी रेटिंग द ओवरऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द क्लासरूम ऑन 1 to 7 स्केल, क्लासरूम में कोई सरगर्मी हो रही है उसको ओवरऑल रेटिंग जो है वो 1 से 7 तक है। यू कुड हैव देम गिव देयर रेटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, आप मुनासिब टाइम के वक्तों के बाद उन्हें रेटिंग देते हैं, एवरी 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड के बाद। द कोरिलेशन बिटवीन दिस रेटिंग इन दो रेटिंग्स के दरमियान जो बाहमी ताल्लुक है वुड गिव यू एन एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी बिटवीन द रेटर्स। वन माइट थिंक ऑफ दिस टाइप ऑफ रिलायबिलिटी एज कैलिब्रेटिंग द ऑब्जर्वर, ये इस तरह की जो रिलेट हमारे पास रिलायबिलिटी है इंटर रेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, इसको हम क्या कहते हैं, कैलिब्रेटिंग करती है, कैलिब्रेट बताती है ऑब्जर्वर का। देयर आर अदर थिंग्स वन कुड डू टू इनकरेज रिलायबिलिटी बिटवीन ऑब्जर्वर, यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी हैं जो कि रिलायबिलिटी ऑब्जर्वर के दरमियान उसको इनकरेज करती है, इवन विदाउट एस्टिमेटिंग इट, हत्ता कि उनको मालूम किए बगैर। फॉर इंस्टेंस इन ए साइकेट्रिक यूनिट वेयर एवरी मॉर्निंग ए नर्स हैड टू डू ए 10 एटम रेटिंग ऑफ ईच पेशेंट ऑन द यूनिट, एक यूनिट है हमारे पास साइकेट्रिक का, उसमें नर्स ने हर दिन जो है हर सुबह को नंबर देने होते हैं, रेटिंग देने होते हैं हर पेशेंट को, हर मरीज को 10 में से। ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट टू काउंट वन द सेम नर्स बीइंग प्रेजेंट एवरी डे, तो ये हमारे लिए मुश्किल है कि एक ही नर्स हर दिन मौजूद होगी। सो देयर इज ए नीड टू फाइंड ए वे टू अश्योर दैट एनी ऑफ द नर्स वुड गिव कंपेरेबल रेटिंग। द वे वी डिड इट वाज टू होल्ड वीकली कैलिब्रेशन मीटिंग वेयर वी वुड हैव ऑल ऑफ नर्सेस रेटिंग फॉर सिवरल पेशेंट्स एंड डिस्कस व्हाई दे चूज द स्पेसिफिक वैल्यूज दे डिड, तो एक हफ्ते के बाद जो है वो उनकी नर्सेस की दी हुई रेटिंग को डिस्कस करना चाहिए, जिसमें उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने ये रेटिंग किस तरह दी है। इफ देयर वर डिसएग्रीमेंट्स द नर्सेस वुड डिस्कस देम, अगर उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर नर्सेस जो डिस्कस करेंगी एंड अटेम्प्ट टू कम अप विद रूल्स ऑफ डिसाइडिंग व्हेन दे वुड गिव 3 or 4 फॉर रेटिंग ऑन ए स्पेसिफिक आइटम। ऑल्दो दिस वॉज नॉट एन एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी, इट प्रोबेबली went a long way towards improving the reliability between